हरियाणा में भी अपराधियों की अवैध प्रॉपर्टी पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जा रही है। शुक्रवार को करनाल प्रेमनगर क्षेत्र में प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ पहुंचकर अवैध दुकानों पर पीला पंजा चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। वहीं कार्रवाई के दौरान सीआईए इंचार्ज मोहनलाल जेसीबी की चपेट में आने से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए शहर के किसी एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तोड़फोड़ कार्रवाई के दौरान सीआईए इंचार्ज घायल हो गए। प्रेमनगर में नशा तस्कर की अवैध दुकानों पर तोड़फोड़ कार्रवाई करने के लिए डीटीपी व पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे थे। तोड़फोड़ कार्रवाई में सीआईए इंचार्ज मोहनलाल भी शामिल थे। मोहनलाल दुकानों के पास खड़े थे, इस दौरान अचानक जेसीबी का पंजा उनके सिर में लग गया। पंजा लगने के कारण मोहनलाल घायल होकर सड़क पर गिर गए। गंभीर हालत में उन्हें उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करनाल से अमित भटनागर की रिपोर्ट। रामनगर में हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये तीन दुकानें हैं, इसकी कंप्लेंट थी राइटिंग में भी और वर्बल भी कंप्लेंट थी, सीआईए स्टाफ के पास भी कंप्लेंट थी, तो जॉइंट हम डेमोलिशन राइट कर रहे हैं। तो पहले भी इस तरीके की कार्रवाई हुई है? यस, पहले भी की है और आगे भी करेंगे। और जो इलीगल कॉलोनीज हैं उसके ऊपर भी, फ्रेश कॉलोनीज करनाल में ना कटें इसके ऊपर भी हमारी सख्ती से कार्रवाई जा रही है। तो क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड वगैरह? वो एक एडिशनल फैक्ट है। फॉर इलीगल कंस्ट्रक्शन निगम की तरफ से आज कार्रवाई हो रही है, वो जारी रहेगी। हल्की सी चोट लग गई हो? हाँ, उनके वो एक्चुअली मूवमेंट में थे, तभी कई बार ये ऐसे हो जाता है, बट वी आर थिंकिंग वो जल्दी ठीक हो जाए।